सबसे पहले खुद को बदलिए, ना कि दुनिया को। बहुत समय पहले एक राजा था जिसके राज्य में हर कोई खुश था। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल व समृद्ध जीवन जी रहा था। एक बार राजा ने निर्णय किया कि वह राज्य में जाकर ऐतिहासिक व धार्मिक स्थानों पर भ्रमण करेगा। उसने पैदल चलकर भ्रमण करने का निर्णय किया ताकि वह लोगों के पास जाकर उनसे बात कर सके और यदि उनको कोई समस्या हो तो दूर कर सके। राजा का यह फैसला सुनकर सारे राज्य की जनता अपने राजा की सराहना करने लगी। राजा भ्रमण के लिए निकल गया। कई हफ्तों तक भ्रमण किया और लंबे भ्रमण के बाद महल वापस लौट आया। उसे राज्य में सब कुछ ठीक लगा। वह अपने राज्य की खुशहाली देखकर बहुत खुश और संतुष्ट था। लेकिन एक समस्या जो उसे बहुत सता रही थी वह यह कि उसके पैरों में बहुत दर्द होने लगा था, क्योंकि उसने पहली बार इतनी लंबी यात्रा पैदल की थी, इसलिए उसके पैर असहनीय दर्द कर रहे थे। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे शिकायत की कि हमारे राज्य की सड़कें बहुत खराब हैं, हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, उनकी वजह से मेरे पैरों में असहनीय दर्द हो रहा है। जब मैं इतना परेशान हूँ तो मेरे राज्य की जनता तो रोज़ सड़कों पर चलती है, उनको कितनी परेशानी होती होगी। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए उसने आदेश दिया कि सभी सड़कों को चमड़े से ढक दिया जाए ताकि लोगों को पैदल चलने में परेशानी ना हो। ऐसा अनोखा आदेश सुनकर सभी मंत्री स्तब्ध रह गए। सभी सड़कों को ढकने के लिए चमड़ा कहाँ से आता और पैसा भी अधिक लगता। यह सब सोचकर सब परेशान थे कि कैसे होगा। तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति मंत्री परिषद में से निकल कर आया और बोला कि महाराज, इसके अलावा भी एक रास्ता है। वह यह है कि क्यों ना हम सड़कों को चमड़े से ढकने की बजाय लोगों के पैरों को चमड़े से ढक दें, उनके नाप का चमड़ा काट कर उनके पैर ढक दिए जाएं, ताकि इन सब फिजूल खर्ची से बच सकें। उस मंत्री की बुद्धिमानी पर लोगों ने तालियां बजाईं और राजा भी खुश हो गया। अब राजा ने अपने लिए भी जूता बनवाया और राज्य में सभी को जूता पहनने का आदेश दिया। अगर हम दुनिया में सबको सुधारने की या सबको बदलने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को बदलिए।